हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ द पासेस परसेंटेज, कि अगर ये जीन पास आउट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तो कितने परसेंट में अपियर होगा, कितने में नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड जो मेन मेन प्रॉब्लम थी वो हम डील कर चुके हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिसऑर्डर की, जिसमें हमने सबसे पहला टाइप देखा था मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो मेंडेलियन के अकॉर्डिंग जिगजैग मूवमेंट शो करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के, वो लगातार पास आउट होता जाता है, उसको आप मेंडेलियन डिसऑर्डर में काउंट करते हो। जिसमें से हम दो मेन प्रॉब्लम्स डील कर चुके थे, द फर्स्ट वन इज द कलर ब्लाइंडनेस एंड द सेकेंड वन इज द हीमोफीलिया। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज द जो काफी मेन है कंप्लीस एग्जाम के लिए भी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया आपको पता ही है, एनीमिया बोलते कि खून की कमी हो जाना। एनीमिया सिकल का मतलब होता है दराती। ठीक है, जो हम खेतों में दराती यूज करते हैं फसलों को कट करने के लिए, उसको आप सिकल बोलते हो, ऐसी जो दिखाई देती है ना, उसको आप सिकल बोलते हो। देखिए, जनरली आरबीसी रहती कैसी, ऐसी बाई कोन के शेप की रहती है, बट यहां से कैसे हो जाती है, सिकल दराती की जैसी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि आप इसकी जो शेप है वो बाइकोन के ओवल से कैसे हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है इन दिस डिसऑर्डर। आरबीसी शेप पहले कैसी थी, ओवल या फिर बाइकोन की थी, चेंज इनटू इनटू सिकल शेप। सिकल शेप की दिस हो जाते, जिसकी वजह से लेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, सो लेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस एंड फाइनली पेशेंट या फिर पर्सन विल गेट डाई एट एज ऑफ नियर अबाउट 20 ईयर्स, 20 साल के आसपास होते ही उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, चाहे 18 हो, चाहे 21 हो, चाहे 22 हो, 20 साल के आसपास होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ सर्वाइव करने के बाद में, कुछ जिंदा रहने के बाद में डेथ हो रहे हैं, तो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द सब लिथिलिटी। तो एक कैसे टाइप हो गया, दैट इज द सब लिथिलिटी का एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो डिसऑर्डर है, दैट इज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन द निग्रोस, है ना, जो निग्रो पर्सन होते हैं जो वेस्ट इंडीज वगैरह साइड के होते हैं उनको आप निग्रोज बोलते हैं, उसमें फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व हुआ था। तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन निग्रोस। ठीक है, ड्यू टू डिफेक्टिव जीन जीन प्रेजेंट ऑन कौन से नंबर का क्रोमोसोम, बोलो, पहले भी बताया था, दैट इज 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पहले भी बताया। इसमें जीन होता है बीटा पेप्टाइड को बनाने के लिए। अब इसमें होगा क्या, पहले बार हम देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है। ठीक है, और बीच में आ जाता है आयरन आ जाता है, तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन रहती है। बट यहाँ पर जो ये 11th नंबर का जो क्रोमोसोम है, उसका जो जीन होगा, जीन विल रेगुलेट बीटा चेन फॉर्मेशन, बीटा चेन फॉर्मेशन को वो कंट्रोल करता है। बट इसके केस में कैसे हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, देखते हैं।
इन दिस डिसऑर्डर जीन फॉर बीटा चेन फॉर्मेशन गेट चेंज, वो चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से डिजीज या फिर प्रॉब्लम कोज हो जाती है। ठीक है, दिस वन इज द कंडीशन पूछ लेते हैं, दिस वन इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो किस क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, 11th क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, पूरी की पूरी लाइन का इंपोर्टेंट है। ऑटोसोमल है फिर एक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है फिर रिसेसिव, क्रोमोसोम नंबर कौन सा है वो चीज़ आपको समझ। ठीक है, देखिए नॉर्मल जो कंडीशन है वहाँ पर हम ये लिखते हैं हीमोग्लोबिन ए और ए, ये वाली कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पर्सन टोटली कैसे होगा, नॉर्मल होगा। अगर मैं ये लिख दूँ एच बी ए और एच बी एस, तो एस का मतलब दैट इज द सिकल सेल, लेकिन एक नॉर्मल और एक डिफेक्टेड है, दिस वन विल बी द कैरियर या फिर वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, नॉर्मल की तरह ये होगा, सर्वाइव कर जाएगा, बट जहाँ पर ये हो गई एच बी एस और एच बी एस दोनों के दोनों डिफेक्टेड हो गए, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, अफेक्टेड या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। अफेक्टेड हो गए, डेथ, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पर दोनों का एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखिए जो चेंज आता है तो वो आता है सिक्स्थ पोजिशन ऑफ द कोडोन या फिर जीन ऑफ द अमीनो, सिक्स्थ पोजिशन ऑफ कोडोन इन बीटा चेन के अंदर बदलाव आता है। जो बीटा चेन है उसकी जो छठी पोजीशन है वहां पर जनरली होता क्या है, ग्लूटामिक कोड। नॉर्मल क्या रहेगा, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होगा कहाँ पर, सिक्स्थ पोजीशन पर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, बट जैसे ये जीन डिफेक्टेड होगा, ये डिजीज होगी सिकल सेल एनीमिया, तो जो ग्लूटामिक एसिड जो बनना चाहिए था सिक्स्थ पोजीशन के कोडोन से, वहां पर चेंज होकर बन जाएगा क्या, वेलिन अमीनो एसिड बन जाए। ठीक है, और ये कैसे हो गया, अब नॉर्मल है। यानी देखिए छठी पोजीशन पे क्या आना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड बनाने वाला कोडोन आना चाहिए था, बट तब म्यूटेशन हो जाएगा, तब वहां पर म्यूटेशन हो गई, दैट इज द मिससेंस म्यूटेशन, बताया था मैंने, जिसमें अमीनो एसिड का नेचर चेंज हो जाए, अगर वो हो जाएगा तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन अमीनो एसिड आने लग जाएगा, और वैलिन है वो फ्री ओएच ग्रुप, फ्री ओएच ग्रुप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका बॉन्डिंग नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, जिसे मानो मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल जो आरबीसी है, नॉर्मल जो आरबीसी है वहां पर है एच बी ए, तो वहां पर होता है क्या है कि सिक्स पोजिशन पर होता है सी टी सी, क्या पॉजिटिव में आ जाएगा जी ए जी। ठीक है, ये अब इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, तो जो एमआरएनए बनेगा 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम वाला, उसके ऊपर जो कोडोन आएगा दैट इज द जी ए जी। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी निकाल सकते हैं, अगर इसकी पोलरिटी, अगर इसकी पोलरिटी 5 प्राइम और 3 प्राइम है, तो इसमें से ये किससे बना है भाई, किससे बना है, ये सी टी सी से बना है, तो इसकी क्या होगी, दैट इज द 5 प्राइम 3 प्राइम की पोलरिटी होगी, और इसकी क्या रहेगी, 5 प्राइम 3 प्राइम की पोलरिटी रहेगी। ठीक है, आपको ये आगे मॉलिक्यूलर वाले के अंदर भी समझना है कि कोडोन एंटी कोडोन, सेंस नॉन सेंस, टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट कौन सा है, वो आपके आगे काम आएगा। अब ये जो जी ए जी है, तब इसका ट्रांसलेशन होगा
तब ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड आ जाता है, कौन सा? ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, मेक द ग्लूटामिक एसिड। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, ये हो गया था पूरा पूरा डीएनए, ये हो गया आरएनए। और ट्रांसलेशन होता है क्या? आरएनए से प्रोटीन का बनना। भाई प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है। बट अगर मैं नॉर्मल कंडीशन, ये तो थी नॉर्मल कंडीशन, लेकिन अभी मैं कर दूं अब नॉर्मल कंडीशन की बात कर दूं, हीमोग्लोबिन एस वाला चीज, तो वहां पर क्या होगा कि पॉइंट म्यूटेशन होगी। देखिए पॉइंट म्यूटेशन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम के बीच में छठी पोजिशन पे कोडन था, इधर सी टी सी, यहां पर गलती से आ गया सी ए सी, तो जो टी है वो रिप्लेस हो गया किससे? ए से। भाई यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, किसी भी तरीके से घुमा के पूछ लेते कि कौन सा कोडन होगा, कौन सा एंटी कोडन होगा, कौन से स्टैंड से बना है, ए ने किसको रिप्लेस कर दिया, या फिर टी की जगह पर क्या रहे, कौन सा किसको रिप्लेस कर रहा है, यहां से क्वेश्चन बनते बनते हैं। तो ये जो डायग्राम है फ्लो डायग्राम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लीट एग्जाम के लिए, तो ठीक है 5 प्राइम और यहाँ पर आएगा 3 प्राइम। अब बीच में क्या आएगा? देखो जी एक अपोजिट में क्या जाएगा? टी, और यहाँ पर क्या जाएगा? जी, और तब की यहाँ पर क्या था? जी ए जी था, ठीक है। अब इसका भी क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, वही एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगी तो पोलैरिटी क्या रही? दैट इज द 5 प्राइम, और किससे बना था इससे? तो यहां पर क्या आ गया? जी। ए के अपोजिट में क्या आता है बोलो? भाई ए के अपोजिट में क्या आएगा? टी। लेकिन एमआरएनए में क्या टी आता है? नहीं आता है, तो यहां पर कौन सा जाएगा? यू। और फिर सी के अपोजिट में क्या आ गया? जी। और लास्ट में फिर सब कुछ सेम है, बस यहां पर जो टी था दैट टी इज रिप्लेस बाय द, इधर जो टी है ए के द्वारा रिप्लेस हो गया, एमआरएनए में जो ए था वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया? यू, यूरेसिल के द्वारा रिप्लेस हो गया। और जो ये दोनों कोडन है वो अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बायो, उधर आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे करते हैं। फिर भी एक बार मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की जो यूनिवर्सल कोडन है उसमें के कैसे कोडन होते हैं, जो किस किस को कंट्रोल करते हैं। 1 मिनट का प्लीज टाइम दीजिएगा। देखिए ये नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, दैट इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इन एटम्स। ये जो आपके सामने दैट इज द जेनेटिक कोड या फिर यूनिवर्सल कोडन आप इसको बोलते हो। अब यहां पर देखिए हर किसी के सामने कुछ दे रखा है, जैसे हमारे पास में कौन सा आया था आप देख सकते हैं, कौन सा था हमारे पास में पहले आया था? जी ए जी, और कौन सा बना था? ग्लूटामिक एसिड। तो देखिए जी ये रहा जी ए जी, जी ए जी के सामने क्या लिख रखा है? जी एल यू, इनकी ग्लूटामिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है। क्या लिख रखा है? ग्लूटामिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है। इसी तरीके से देखो जो 20 अमीनो एसिड होते हैं सभी के शॉर्ट फॉर्म लिख रखे हैं, ग्लाइसिन अर्जिनिन सेरिन अर्जिनिन हिस्टिडिन, ठीक है, ये आपका लाइसिन, इसी तरीके से एस्पार्टिक एसिड, इसी तरीके से सभी के दे रखे हैं आपके, ट्रिप्टोफेन प्रोलिन सेरिन वगैरह ल्यूसिन आइसोल्यूसिन वगैरह वैलिन सबके दे रखे था। तो यहां पर देखिए जी ए जी से बना था ग्लूटामिक एसिड, आपके सामने इधर कोडन दे रखा है जी ए जी, और क्या रखा? ग्लूटामिक एसिड आ रहा इधर, क्या आ गया? जी यू जी। अभी देखिएगा जी यू जी किधर मिलेगा? ये मिलेगा, मिल गया। जी यू जी किसको बना रहा है? वेलिन को बना रहा है। तो यहां पर ये फिक्स है कि अगर ये जो आएंगे तो वो कौन सा अमीनो एसिड को बनाएंगे। ये जो आपके सामने लिखे गए हैं एबीसीडी में जो लिखे गए हैं सी यू यू सी यू सी सी यू ए, ऐसे आपके 64 दे रखे हैं, दी जानो ने था कोडोन, इनको क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। कितने कोडोन होंगे? 64 कोडोन होंगे, जिसमें से 3 स्टॉप कोडोन है जो किसी भी टाइप की कोई भी अमीनो एसिड को या फिर प्रोटीन को नहीं बनाता है। यू ए ए स्टॉप, यू ए जी स्टॉप, यू जी ए स्टॉप, ये 3 के हो गए स्टॉप। तो टोटल कितने बच गए? 61 कोडोन बच गए। जो 61 कोडोन है दे मेक द 20 अमीनो एसिड। कौन सा किसको बनाएगा उसके लिए सिक्वेंस फिक्स है। दिस वन इज द यूनिवर्सल इन नेचर, एक दो एक्सेप्शन है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डील कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि क्या है, क्यों रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन होने से कोडोन का नेचर बदल चुका है।
तो आना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन आ गया इधर क्या, वेलिन। और ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया बाय द वेलिन। ये रिप्लेस हो गया, तो ये रिप्लेस होने से वेलिन आया, तो वेलिन के अंदर है द वेलिन है फ्री OH ग्रुप। सो मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन गेट बाइंड या फिर गेट बॉन्ड विद ईच अदर एंड मेक टाइट चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। टाइट चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगी विच ट्रांसपोर्ट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी कैसे होगा वो देखते हैं एक बार। देखिए नॉर्मल कैसी होती है आरबीसी, ऐसे होती है। ठीक है, उसमें जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं। बोलते कि एक सिंगल आरबीसी है, वन आरबीसी है नियर अबाउट 180 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एक आरबीसी में ऐसे 180 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। बट तब यहां पर ये तो गई नॉर्मल कंडीशन, लेकिन तब यहां पर सिकल सेल एनीमिया होगा, तो ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, चेन की जैसी फॉर्मेशन बना देंगे। ऐसे यहां पर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जुड़ गए और चेन की जैसी फॉर्मेशन बना देंगे। अभी जो चेन की जैसी फॉर्मेशन बनी है भाई, यहां पर एंडोस्केलेटन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऐसे हो गया। अगर एंडोस्केलेटन चेंज हो गया तो बाहर का एक्सोस्केलेटन भी क्या होगा, चेंज ही होगा भाई। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो बाहर की स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर अंदर का अरेंजमेंट ऐसा हो गया तो बाहर का भी कैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी शेप बन गई, दिस वन इज द सिकल शेप फॉर्मेशन हो गया। देखिए यहां पर मॉलिक्यूल पहले अलग अलग थे, फ्री हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो सरफेस एरिया क्या था, ज्यादा था। अब ये बाइंड हो गए तो सरफेस एरिया क्या हो गया है, कम हो गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया टू बाइंड द ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड इन सिकल सेल एनीमिया, शॉर्ट में इसको ये भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेट डिक्रीज इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के अमाउंट लगातार क्यों लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो सो या फिर विच इज नॉट सफिशियंट फॉर मेटाबोलिक ऑफ मेटाबोलिक रिएक्शंस ऑफ एन अडल्ट पर्सन। सो फाइनली गेट डाई, इसलिए लास्ट में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब दो तरह के इफेक्ट रहते हैं, प्राइमरी इफेक्ट एंड द मेजर इफेक्ट। भाई सबसे बड़ा क्या है कि आरबीसी की शेप का चेंज होना, सिकल से आरबीसी यानी शेप का बदल जाना, ये कौन सा हो गया, प्राइमरी या फिर मेजर इफेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ छोटे छोटे और चेंजेस दिखाई देते हैं बॉडी के अंदर, दे आर नोन एज द सेकेंडरी
इफेक्ट या फिर उसको आप माइनर इफेक्ट भी बोलते हो, क्या बोलते हो, माइनर इफेक्ट भी बोलते हो। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर हेडेक, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिजी, वोमिटिंग। भाई अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ठीक है, ना ही डाइजेशन सिस्टम के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन होगी। वोमिटिंग, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, फिर से बाहर की तरफ आएगा। इसके अलावा जो आरबीसी है वो रिमूव आउट होने लगती है थ्रू द स्प्लीन। स्प्लीन इसको बाहर निकालना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे इफेक्ट आएंगे इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड इफेक्ट या फिर माइनर इफेक्ट बोलते हैं। तो स्प्लीन रिमूव, ऑटो डेफिशिएंसी, आरबीसी, जो ऑक्सीजन से जो डेफिशिएंट आरबीसी को क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का कोई फायदा, बोलते कि जो पेशेंट है सिकल सेल एनीमिया के, दे आर रेजिस्टेंस टू द मलेरिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाएगा। पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया और रेजिस्टेंस टू फेटल मलेरिया इन अफ्रीका बिकॉज मलेरियल पैरासाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इन हार्ड या फिर टफ मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन में नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से उसको मलेरिया नहीं होता है। देखिए मलेरिया अगर वहां पर होता है तो विद इन 1 वीक की हो जाती है, डेथ हो जाती है। और किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो 20 साल में डेथ होती है, तो मतलब उसके जिंदा रहने के चांसेस क्यों गए, बढ़ गए। तो सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। नोन एज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका फायदा रहा है कि सिकल सेल एनीमिया से पेशेंट की डेथ नहीं हो रही, उसका आंसर यूज जाएगा, ठीक है। तो इसके सर्वाइव करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से एक नेक्स्ट डिजीज है सिकल सेल एनीमिया का, मोस्टली पार्ट इधर कंप्लीट, नेक्स्ट होना जाएगा दैट इज द पीकेयू, दैट इज फिनाइल कीटोनूरिया। फोर्थ डिजीज हम डील करते हैं दैट इज पीकेयू, फुल नेम इज द फिनाइल कीटोनूरिया। तो देखिएगा नेक्स्ट डिजीज द पीकेयू दैट इज फिनाइल कीटोनूरिया। ये जो डिजीज दैट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज या डिसऑर्डर है जो 12th नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होती है। कौन सा क्रोमोसोम, 12th नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जीन की खराबी की वजह से होती है। इसमें नॉर्मली क्या होना चाहिए था, हमारे पास में एक एंजाइम बनना चाहिए था, एंजाइम नेम इज द फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नेम क्या, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। नॉर्मली ये बनता है, ठीक है, बट इस डिजीज में पीकेयू के अंदर इस एंजाइम की क्या हो जाती है, अब्सेंस हो जाती है, अब्सेंस ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया। अब ये नॉर्मली केस में क्या करता है, अब्सेंट होने के बाद में क्या होगा वो चीज देखिएगा। हमारी बॉडी में रहता है फिनाइल एलेनिन, अमीनो एसिड है, ये इसको कन्वर्ट करवा देता है किसमें, इनकेस ऑफ द टायरोसिन में। जो टायरोसिन है वो दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक
ठीक है, तो जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करवा देता है, और ये क्या हो जाता है, यूज होता है। बट अगर मान लो हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन अब्सेंट हो गया, ये सॉरी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अब्सेंट हो गया, तो क्या फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो हमारी बॉडी में क्या चीज आ गई? फिनाइल एलेनिन ही रह गया, तो इसके अमाउंट बनने लगती है, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम टायरोसिन फॉर्मेशन गेट स्टॉप एंड फॉर्मेंटेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन टेक प्लेस एंड कन्वर्ट इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज फिनाइल पाइरूविक एसिड एंड कन्वर्ट इनटू फिनाइल पाइरूविक एसिड, ठीक है, और क्या बन जाएगा, फिनाइल पाइरूविक एसिड बन जाएगा, और जो लगातार क्या होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, विच कॉन्टिन्यूसली एक्यूमुलेट इनसाइड द बॉडी एंड स्पेशली इन ब्रेन, और स्पेशली किसमें डिपॉजिट होगा, ब्रेन में होगा, जिसकी वजह से यहां पर जॉइंट्स या फिर ब्रेन की दिक्कत हो जाती है एंड फाइनली ब्रेन गेट डैमेज, और जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, नोन एज द पाइरूविक एसिड आईडीओसी, ठीक है। दूसरा, जो हमारी किडनी है वो पाइरूविक एसिड का कम ही ऑब्जेक्शन कर पाती है, तो जिसकी वजह से इसका ज्यादा एक्सक्रीशन नहीं होगा, ठीक है, तो लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फिनाइल पाइरूविक एसिड बाय किडनी, सो लेस रिमूवल ऑफ इट, तो इसलिए इसका ज्यादा रिमूवल नहीं होगा और ये बॉडी में क्या रहेगी, एक्यूमुलेट होती हुई चली जाएगी, जिसकी वजह से ये हमारे ब्रेन और जॉइंट्स को डैमेज करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये हो गई आपके कुछ जो एनसीईआरटी में गिवन डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं, वो हमने यहाँ पर करी है, जो मेंडेलियन के अकॉर्डिंग मूव करती है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, जो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने की वजह से हो जाती है, इसमें मेनली तीन फेमस नाम आते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड द क्लीन फेल्टर सिंड्रोम आता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक डिजीज हो रहा है बोर करवा देता हूँ आपको, और इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो कंडीशन होगी पी के यू, इसमें इसके डिपोजिशन होने की वजह से मसल्स एंड जॉइंट्स आल्सो गेट अफेक्टेड, एंड पर्सन विल बी अनएबल टू वॉक, तो वो वॉक भी नहीं कर पाए, ठीक है। एक छोटी सी डिजीज और बोर करवा देता हूँ यहाँ पर, दैट इज द फोर्थ वन इज द एल्केप्टोन हो गया, ये था फिनाइलकेटोन हो गया एंड दिस वन इज द एल्केप्टोन हो गया, एल्केप्टोन हो गया, दैट इज ए के यू, वो था पी के यू। इसमें जो पेशेंट होगा उसमें एंजाइम रहता है, दैट इज होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, वो एंजाइम यहां पर क्या जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, तो
दिसवनी जाल से द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें एंजाइम एब्सेंट होगा, दैट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, नेम इज होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेस। ये एंजाइम है जो अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से एंड दिस वन इज द लीवर एंजाइम, लीवर के अंदर मिलने वाला एंजाइम। इसकी वजह से होगा क्या, ये जो होमोजेनेटिक एसिड है एसिड है, ठीक है, जिसको आप एलकैप्टोन भी बोलते हो, दिस वन इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होगी बाय HGA ऑक्सीडेज, होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ से, और किसमें कन्वर्ट होता है, मिलाइल एसिटो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अगर ये नहीं होगा, अगर ये एंजाइम नहीं होगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जो पेशेंट का जो यूरिन है उसके अंदर होमोजेनेटिक एसिड काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन अब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम पेशेंट विल रिलीज हाई अमाउंट ऑफ होमोजेनेसिक एसिड,